आज हमारे भारत की क्रिकेट टीम की पूरी दुनिया दीवानी है, तो वहीं आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे महंगी लीग बन चुका है। हर साल यहां पर खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सब मुमकिन हुआ हमारे दिग्गज खिलाड़ियों की वजह से। कहते हैं कोई भी घर तब मजबूत बनता है जब उसकी नींव मजबूत हो, और हमारी क्रिकेट की टीम की नींव मजबूत की है हमारे दिग्गज खिलाड़ियों ने, जैसे कि सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जाहिर खान। इन खिलाड़ियों ने अपने बलबूते पर हमारी टीम को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं एक नाम ऐसा भी है जिसको द्रोणाचार्य कहा जाता है, दीवार कहा जाता है, जिसने हमारे देश को संजू सैमसन, ऋषभ पंत और पृथ्वी शाह जैसे खिलाड़ी दिए, जो हमारे देश के परचम को पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राहुल द्रविड़ की जिंदगी के सफर के बारे में। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी पूरी फैमिली बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। राहुल द्रविड़ एक मराठी परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी मराठी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनकी इंग्लिश, कन्नड़, हिंदी और संस्कृत भी बहुत अच्छी है। राहुल द्रविड़ के पिताजी बेंगलोर की एक जैम कंपनी में काम करते हैं, इसलिए राहुल द्रविड़ को जैम भी कहा जाता है। तो अगर बात की जाए उनकी माताजी की, तो वो एक बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, इसलिए राहुल द्रविड़ बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। राहुल द्रविड़ ने अपनी बचपन की स्कूली पढ़ाई बेंगलोर के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की। राहुल द्रविड़ ने अपने कॉलेज की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से की। उसके बाद उन्होंने MBA करना शुरू कर दिया, वहीं से उनकी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई। अगर बात की जाए उनके क्रिकेट की शुरुआत की, तो राहुल द्रविड़ ने 11 साल की उम्र में इस खेल को खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस खेल को उनके पिताजी बहुत पसंद करते थे। तो वहीं राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी करना बहुत पसंद था, इसलिए उनका सारा फोकस बल्लेबाजी पर था, और इसके लिए वो देर रात कड़ी मेहनत भी करते थे। राहुल द्रविड़ को शुरुआत से ही सफलता मिलनी शुरू हो गई, और इसका सारा श्रेय जाता है उनके माता पिता को, जिन्होंने अपने बेटे के टैलेंट को पहचान लिया था और उसका करियर बनाने के लिए उसके साथ चल पड़े थे। लेकिन उनके इस टैलेंट की सही पहचान की पूर्व क्रिकेटर KK तारा ने। राहुल द्रविड़ अपनी स्कूल की टीम के लिए एक मैच खेल रहे थे, जहां पर उन्होंने एक शानदार शतक लगाया, जिससे KK तारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो वहीं दूसरी तरफ और भी जगह पर इस पारी को लेकर चर्चा होने लगी। अपने शानदार खेल के चलते राहुल द्रविड़ कर्नाटका की अंडर-19 टीम में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 1991-92 में उनकी सिलेक्शन कर्नाटका की रणजी ट्रॉफी टीम में हो गई, जहां पर उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली और ये रणजी ट्रॉफी उनके लिए बहुत खास रही। उसके बाद राहुल द्रविड़ लगातार रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी खेलते रहे। अगर उनके पहले इंटरनेशनल मैच की बात की जाए, तो वो खेला उन्होंने 1996 में, जब श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज में विनोद कांबली की जगह उनको सिलेक्ट किया गया। तो वहीं उनके टेस्ट करियर की शुरुआत भी इसी साल हुई, जहां उन्होंने पहली पारी में 95 रन की पारी खेली। जहां एक तरफ टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी निकली और उनका करियर बहुत अच्छा जा रहा था, तो वहीं वनडे मैचेस में उनके रन बहुत कम थे। इन दोनों राहुल द्रविड़ बहुत स्लो रन रेट से रन बना रहे थे, जिसकी वजह से उनके माथे पर यह टैग भी लग गया। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल द्रविड़ वनडे मैचेस के लिए बने ही नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ के मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें अपने आलोचकों का मुंह बंद करना था। सबसे पहले उन्होंने अपनी तकनीक को बदला, अपनी बैटिंग को सुधारा, लगातार अच्छे रन बनाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा हम देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में राहुल द्रविड़ का नाम आता है। राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में 13,288 रन बनाए, तो वनडे करियर में 10,889 रन बनाए। इसके साथ ही राहुल द्रविड़ आज एक बहुत बड़े कामयाब इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सिंपल सिटी को नहीं छोड़ा। उनके फैंस उनको इतना प्यार करते हैं कि वो अक्सर अपने फैंस से पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं, कई बार तो वो अपने फैंस के घर तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो राहुल द्रविड़ ने 2012 में संन्यास ले लिया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट ने उनको छोड़ा नहीं। वो आज भारतीय टीम के कोच हैं और लगातार हमारी टीम को बुलंदियों पर लेते जा रहे हैं। तो ये थी राहुल द्रविड़ के ज़िंदगी के सफ़र की कहानी, जिनको हम दीवार के नाम से भी जानते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और के सफ़र के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।